वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी का दिन बढ़िया रहे ऐसे भावना से मैं ले चलता हूँ। अभी मॉर्निंग का बज गया है 8:30। अभी श्री स्वामीनारायण भगवान के पास दर्शन कराते हुए जा रहे हैं। जय श्री स्वामीनारायण। भाई ये वस्त्र में तो भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं, ये हमको अच्छा लग रहा था तो अभी रेखा के भाई के घर के वस्त्र है। जय श्री स्वामी नारायण से लेके मैं जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। इस भगवान का अद्भुत दर्शन करते, इतनी प्यारी सी मूर्ति का दर्शन कराते, मैं अभी जा रहा हूँ मम्मी के पास। मम्मी का दर्शन कराते हुए दिन की शुरुआत करता हुआ अभी जाता हूँ रेखा के पास। रेखा क्या कर रही है? तो भाई करिया का शीरा बना रही हूँ मैं। भाई मॉर्निंग में तो भाई शीरा है, खाली एक अडाड़ी जीता से खाली शीरा। एक अडाड़ी नहीं थी, ऐसे दूध आवश्यक। घीमा से कोना छे हमने सरस मन रहा है। मजे मौज रोजे रोज सीधा खाओ अने हेल्दी रहो। बराबर ना? बराबर हो तो बात हो गई। चालत कर ना भाई, अब जब ये मीठा है तो चाय कैसे पियेंगे? तो अभी शक्करिया का शेरा बन रहा है। मॉर्निंग में आज तो भाई अलग प्रकार का नाश्ता है, देखना शक्करिया से। ये शक्करिया कहाँ से आया? विवेक ना सस्त्रा ना करे थी। ये बन गया है शक्करिया का शीरा। अभी इसमें हो गया एकदम ढीला। और तुम्हें कैसा अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है भाई। तो साथ है रोटी, अभी गर्मा गर्म बन रही है रोटी शक्करिया के सिरा के साथ रोट। और मुझे बहुत भूख लगी है। अभी ये है रेखा का किचन। भाई देख किचन तुम्हारा ही है ना, मैं कभी थोड़ी बनाता हूँ। रेखा का किचन है भाई, ये के रेखा का किचन। और वो बना रही है गर्मा गर्म शक्करिया का शीरा। सेट तो देखो भाई, जिसने आंगली साट ली है। ये लोट की पिंडी हाथ में पकड़ी और गोल गोल घुमाया और ये लोट में डाला और ये रेलना मारा और इधर रोटी फूल रही है। और अभी ये कौन सा इसमें चित्र दिखाई दे रहा है? अब ये गोल गोल पूरी वाली नहीं है। अरे धीरज रखो तो सब फूल जाएगी। फूलने वाली नहीं, मुझे मालूम पड़ जाता है। ऐसा है क्योंकि जाड़ा सांबड़ा हो गया है तो कैसे फूलेगा? हम खाने के लिए बैठ जाते हैं तो अभी खाने में देखा कि आज रेखा ने शेरा बनाया है, रोटी बनाई है, तो अभी आज चाय नहीं है तो बैठते हैं खाने के लिए। हम तो ना सवर सवर में बहुत भूख लगी गई। केसु सालिया तो साझा रख जो सालिया साटी जाइयो। तो अभी मॉर्निंग में बनाया है शक्करिया का शेरा, रोटी और ये खाली हो गया। तो भाई अब आज मौज पड़ने वाली है। और पल गया है स्कूल पे, पल का आज 5 बोले तो 5वां पेपर है और आज हिंदी का पेपर है ना, वो आज हिंदी का पेपर है। अभी गया है स्कूल पे, बोला हूँ मैंने कि जैसा आता है वैसा लिख देने का। जैसे जैसे पढ़ाई में आगे ध्यान रखते हैं बच्चे तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो बच्चे लोग को अभी
एक वीक बोले तो 7-8 दिन के बाद काफ़ी बच्चों को छुट्टी करने वाली है और वैकेशन में एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी मैं खाना पीना ख़त्म करके जा रहा हूँ बाहर। हेलो दोस्तों, अभी 12 बज गया है और मैं जल्दी घर पे आ गया हूँ। घर पे आने का जल्दी कारण ये था कि बड़े भाई के यहाँ कुकर ब्लास्ट होने की वजह से सब भ्रमण भ्रमण कर दिया। तो भाई चूल्हा कांच का था, वो तो पूरा डैमेज हो गया और नए चूल्हा लेने जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं नया चूल्हा लेने के लिए। तो चूल्हा की क्या हालत कर दिया है आप देख रहे हैं, और ढक्कन उड़ के ऊपर छत के ऊपर सीलिंग में ऐसा जोर से उसका निशान पड़ गया है और थोड़ा दरवाजा में थोड़ा अड़ के नीचे गिरा है। फिर साथ में तुरंत शॉप पे जाके नया स्टोव की खरीदी कर दिया है। घर पे आ गया हूँ मैं। और क्या कर रही हो? दाल ढोकड़ी। आज तो भाई खुशी और बड़े भाई और भाभी सब लोग घर पे आने वाले हैं क्योंकि अभी बन रही है दाल ढोकड़ी। क्योंकि भाई के घर क्या फटा? कुकर फट गया। तो भाई कुकर फटने की वजह से भाई कुछ लगा नहीं है, वो अच्छा है। फिर कुछ लग जाता, जल जाते तो काफ़ी वादी हो जाती। तो भगवान का शुक्रिया है कि कुछ जान हानि नहीं हुई है, एक बड़ी उपाधि हो जाती। तो क्या कर रहा है बेटा? टीवी देख रहा था। टीवी तो अभी ऑफ है, अभी मैं आया घर पे तो पल ने टीवी बंद कर दी। तो आज तुम्हारा एग्जाम का पेपर था हिंदी, क्या हुआ हिंदी में? बढ़िया गया। कैसा गया? बढ़िया बढ़िया। और कितने परसेंट आएंगे 100 में से? 80 में से कि 100 में से? 70 मार्क्स का है। 100 में से 70 आएगा भाई। पल बोल रहा है कि 100 में से 70 आएगा, कोई बात नहीं है, जो भी आए खुश रहो, हेल्दी रहो, मौज मिलो। 70 बोले तो 70 हिंदी का पेपर है तो 70 ही बोलते ना। 70 मार्क्स था। 70 गुजराती बोलते है, 70 यानी और 17 बोलते है तो 17। ओके, कल कौन सा पेपर है? इंग्लिश। तो काफी तैयारी करनी पड़ेगी भाई, वरना डुक डुक हो जाओगे। लास्ट में नेक्स्ट भी 8 बजने आया है और मैं आ गया हूँ घर पे। अभी चलते हैं रेखा के पास, क्या कर रही है? हाय रेखा। हाय। कैसी हो, तबीयत कैसी है? बिगड़ गई है तबीयत। बिगड़ गई है? क्यों बिगड़ गई है? खबर हो तबीयत बिगड़ बात। ये चाय बन रही है और ये भाखरी है भाई, ये जली हुई भाखरी, ये लोट का पिंडा, अभी जड़बा। ओ हो 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 हो, ये तो भाई तपेला भर के मक्खन बनाया है भाई। देखो तपेला कितना बड़ा है, देखना भाई। ये तो पूरा 4 अंदर डाल देता हूँ भाई। तो भाई काफी है, कम से कम भाई 3 किलो जैसा कर दो। तो दोस्तों आज काफ़ी बढ़िया दिन है हमारा कि दोपहर में हम घर पे आए थे और भाई के यहाँ जब कुकर फटने की वजह से
पूरा चूल्हा का हता पता भूखा काटी ना क्या। तो मैं एक विनंती करना चाहता हूँ कि अक्सर कोई कुकर की सीटी खराब हो तो उसे तुरंत रिपेयरिंग करवाना। हमारी भाभी की यही गलती थी कि उसने एक साल से सीटी नहीं बज रही थी, फिर भी उसने वही कुकर का इस्तेमाल करना शुरू रखा। फिर देख लो चूल्हा होता है तो वो नया आ गया, वैसे का वैसा सेम टू सेम हम 10 मिनट में लेके आ गए। पर जिंदगी चली जाती है ना तो नहीं आती है, घर के सारे अपना घर है, किसी को जल जाना टूट जाना या लग जाएगा तो फिर अपना घर पूरा बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों और एक ही विनती है हमारी कि कुछ भी घर के अंदर हमको ऐसा लगे कि ये बर्तन अच्छा नहीं है, ये कुकर अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा मत रखिए। सर्विस कराने जैसा लगे तो उसको रिपेयरिंग करवा दीजिए, वरना छोटी चीज़ से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज मैं काफ़ी जैसा मेरे को मन में आया वैसे मैंने तुमको समझाया। तो अभी चलते हैं नहाने के लिए, नहाने के बाद हम रेखा और सबको हम खाने के जो भी बैठते हैं, रेखा ने बनाया है तो मैं रेडी हो गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ रेखा के पास। हाय रेखा। हाय। तो लाओ मेरी डिश रेडी कर दीजिए, अठिया की सब्जी, भाखरी, दूध, मक्खन और ये बड़ा तपेला भर के मक्खन। हाँ, जब रेखा बीमार हो जाती है तो भाई गाठिया की सब्जी, बार बार गाठिया की सब्जी, क्योंकि उसको जल्दी फटाफट हो जाए ना, तो ऐसा नहीं था चलो भाई निकलो फटाफट निकलो गाठिया खा के। हाँ तो भाई इसको बुखार आता है ना जब भी, तो उसको खाने का बढ़िया बढ़िया मन हो जाता है, फटाफट ऐसा खा लेती है। और हम सभी को बुखार आता है तो साला हमारा मुँह कड़वा हो जाता है। तो भाई कोई बात नहीं है, तो खाना पीना ख़त्म करके अभी मैं शांति से खा लेता हूँ, आप भी खा लीजिए। बाय, मिलेंगे कल।